एग्जाम्पल नंबर 11 हमने एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करते हैं. इसमें हमारे पास पॉइंट गिवन है x = 1 के ऊपर, तो यहां पे क्या करेंगे, लिमिट fx x अप्रोचेस टू 190 में चेक करेंगे, फिर लिमिट fx x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव में चेक करेंगे, लिमिट fx x अप्रोचेस टू 1 में चेक करेंगे. ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, और ये उस पॉइंट के ऊपर कंसीडर करेंगे जिस पॉइंट पर भी चेक करना है. तो 190 में क्या आएगा, 180 का मतलब कि ये 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे, x plus 2. तो क्या आ जाएगा, 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 minus h plus 2 और लिमिट h approaches to 0. 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 minus h और लिमिट h किसको अप्रोच कर रही है, 0 को. तो क्या आएगा, 1 plus 2 is equal to 3 आ जाएगा. फिर 1 पॉजिटिव पे फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, लिमिट x approaches to 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव पे क्या आएगा, x minus 2 आएगा. तो क्या आ जाएगा, 1 के प्लेस पे 1 plus h minus 2 और लिमिट h approaches to 0, क्योंकि 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो h के प्लेस पे 0 आ जाएगा, 1 minus 2 क्या आएगा, माइनस में आएगा. देखते ही पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, आगे करने की जरूरत नहीं है. तो माइनस 1 पे चेक किया हमने और लिमिट fx x approaches to 1 पे चेक किया, दोनों पे क्या आ रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसमें 3 आ रही है और इसमें वैल्यू माइनस 1 आ रही है. तो क्या पता लगा, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x = 1. ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा किसके ऊपर, एट x = 1 के ऊपर. यहां पे हमें 0 नेगेटिव पे दे रखे फंक्शन, 0 पॉजिटिव पे दे रखे, तो हम दोनों पे फाइंड आउट कर लेंगे, क्या है लिमिट fx x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, तो क्या आएगा, लिमिट fx 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे क्या आएगा, x plus 2, तो क्या आएगा, x के प्लेस पे क्या आएगा, 0 minus h plus 2 और लिमिट h के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो 0 plus 2 क्या आएगा, दैट इज 2. ऐसे हम क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव माइनस x प्लस 2, तो क्या आएगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 0 के प्लेस x के प्लेस में क्या आएगा, 0 प्लस h प्लस 2 और h के प्लेस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. इससे क्या पता लगा, 0 नेगेटिव में भी 0 पॉजिटिव में फंक्शन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. 0 नेगेटिव में भी और 0 पॉजिटिव में भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, हमारी इक्वल आ रही है. मतलब 0 को छोड़ के हम ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूड एक्सेप्ट एट x = 0, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ना एट x = 0 के ऊपर फंक्शन दे ही रखा, एट x = 0 के ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर ही रखा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो हम क्या कहेंगे कि 0 नेगेटिव में भी और 0 पॉजिटिव में भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू होगा एट x एक्सेप्ट x = 0.